क्या आपने दुनिया में ऐसी सीढ़ियों को देखा है जो बिल्कुल सीधी हैं और इन सीढ़ियों पर एक्चुअल में लोग चढ़ते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। और गाइस, क्या आपने इंडिया के एक ऐसे किले के बारे में सुना है जिस तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही उन्हें आपने पहले कभी किसी वीडियो में देखा होगा। और गाइस, इसी मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स की लिस्ट में हमारे इंडिया की 3 ऐसी स्टेयर्स शामिल हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है माचू पिच्चू। ये स्टेयर्स रूस में है, जिन्हें स्टेयर्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सीढ़ियां समुद्र तल से 2720 मीटर ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये सीढ़ियां इतनी ज्यादा डेंजरस हैं कि आपको एक एक सीढ़ी पर ध्यान से चलना होता है, क्योंकि अगर आपका इन स्टेयर्स से जरा भी पैर फिसला तो आप सीधा नीचे खाई में गिरेंगे। इस पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर किला बना हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, और इन डेंजरस स्टेयर्स की वजह से ही नीचे से ऊपर तक जाने में, मतलब कि नीचे से किले तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। अगर ऐसे स्टेयर्स की जगह पे अगर कोई सिंपल रोड होता तो ऊपर तक पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगता। कहीं कहीं पर तो आपको इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए किसी भी सपोर्ट को नहीं बनाया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ पाए। बस दीवार का ही सहारा लेकर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और गाइस, आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी इलाकों में कितनी ज्यादा बारिश होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी बारिश होती ही रहती है, जिससे ये सीढ़ियाँ गीली हो जाती हैं और इनके ऊपर से पैर फिसलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय में किसी भी ट्रैकर को नीचे से ऊपर या फिर तो ऊपर से नीचे आने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है, और इन स्टेयर्स पे जाने आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा न हो जाए, इसीलिए इन सीढ़ियों से एक दिन में 500 लोगों से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। और ये सीढ़ियाँ कोई आज के समय की नहीं है, ये अब से लगभग 500 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। नंबर 9 पर है पिको डा तिजुका। ये स्टेयर्स ब्राजील के तिजुका फॉरेस्ट में है, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए आपको एक अमेजिंग व्यू देखने को मिलेगा। लेकिन इस व्यू के साथ साथ आपको इन खतरनाक सीढ़ियों का भी आपको एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा, जिन्हें सिर्फ पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है, और इन सीढ़ियों पर सिर्फ थोड़ा सा ही ढलान है, बाकी की ये सीढ़ियां भी बिल्कुल सीधी ही है। और सपोर्ट के लिए साइड में एक लोहे की चेन को भी लगाया गया है, जिसे पकड़कर आप आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, बट ये भी इतना आसान नहीं होता है। सपोर्ट होने के बावजूद भी लोग इन सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, और बहुत से लोगों की इन खतरनाक सीढ़ियों की वजह से डेथ भी हो जाती है, और इन सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। नंबर 8 पर है हरिहर फोर्ट। गाइस, ये फोर्ट इंडिया के महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले उन खतरनाक सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है, जिन सीढ़ियों पर जाने से पहले एक हेल्दी इंसान भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि ये सीढ़ियाँ डेंजरस होने के साथ साथ बहुत साल पुरानी भी है, और कई कई जगह से ये सीढ़ियाँ बिल्कुल टूट भी चुकी है। फिर ऊपर जाने के लिए आपको उस सीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट सीढ़ी पर ही पैर रखना पड़ता है। इन स्टेयर्स पर सपोर्ट के लिए किसी भी चेन या केबल को नहीं लगाया गया है, बस सीढ़ियों के दोनों साइड में छोटे छोटे गड्ढों को कर दिया गया है, जिससे आप उनमें अपनी उंगलियों को फंसा के ऊपर आसानी से चढ़ सके। इस किले को राजा के द्वारा इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी किले पर अटैक ना कर पाए, क्योंकि जिस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, ये पहाड़ी हर एक साइड से स्टीप है और किले के अंदर जाने का सिर्फ एक ही मेन रास्ता है, तो कोई भी किले पर अटैक नहीं कर पाता, इसीलिए इस किले को ऐसे बनाया गया। इसे देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। ये किला तो फेमस है ही, पर लोग इस जगह पर पहाड़ों से दिखने वाले इस अमेजिंग व्यू को देखने आते हैं। नंबर 7 पर है गुआटापे रॉक। ये पहाड़ कैलिफोर्निया में है, जिसपे ऊपर तक जाने के लिए 650 सीढ़ियों को बनाया गया है। इन स्टेयर्स को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई इन स्टेयर्स में कौन सा खतरा है, दोनों साइड में तो सपोर्ट है, एक साइड दीवार है और दूसरी साइड पहाड़ है। लेकिन गाइस, ये सीढ़ियां भी कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इन सीढ़ियों के ऊपर से हर समय पानी बहता रहता है, जिससे सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है। अगर आप इन सीढ़ियों से एक बार फिसलते हैं तो आपको थोड़ी दूर
में ही बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। ये समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है। बारिश के समय में इस पहाड़ के चारों तरफ हरियाली नजर आती है, जिससे ये पहाड़ और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। लोग इसी व्यू को देखने गोवा टापे पहाड़ी पर आते हैं। नंबर 6 पर है द हाइकु स्टेयर्स। ये स्टेयर्स हवाई में है, जो कि पूरी पहाड़ी पर फैली हुई है, जिसमें टोटल 3922 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी पर संभल के कदम रखना होता है, क्योंकि ये सीढ़ियां पुरानी होने के साथ साथ कमजोर भी हो चुकी हैं। इन स्टेयर्स के दोनों साइड सपोर्ट के लिए ग्रिल को लगाया गया है, जिससे कि लोग उन्हें पकड़ के इन सीढ़ियों पर आसानी से चल सके। बारिश के समय में इन पहाड़ पर इतनी घास उग जाती है, जिसकी वजह से सीढ़ियां तक सही से दिखाई नहीं देती है, और कई कई जगह पर इन सीढ़ियों के नीचे की मिट्टी बारिश के समय में बह जाती है और फिर सीढ़ियों के नीचे एक खाली जगह हो जाती है, जिससे ऐसी स्टेयर्स पर जाना और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है बिनोमो, जिससे हम घर बैठे हजारों रुपए अर्न कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए मिलेंगे ट्रेडिंग सीखने के लिए। इसमें हमें ग्राफ को देख के फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। ये देखो, मैंने 2,500 रुपए से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा, और इसकी सबसे अच्छी बात कि इसमें आप सिर्फ 350 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखो गाइस, मेरा फोरकास्ट सही निकला, बट इसमें एक बात का ध्यान रखना, आपको इसमें लॉस भी हो सकता है, और हम इन पैसों को 24 घंटे में बैंक अकाउंट या पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी 400 रुपए डिपॉजिट करने पर आपको 800 मिलेंगे। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है, तो जल्दी से डाउनलोड करो बिनोमो होनेस्ट ट्रेडिंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 5 पर है चांद बावड़ी। ये इंडिया के राजस्थान में है। आपने अभी तक इस वीडियो में जितनी भी स्टेयर्स को देखा है वो सभी पहाड़ों पर थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन इस चांद बावड़ी की स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए, जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। और गाइस, आप लोगों ने पहले कभी ऐसे स्टेयर्स को देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस चांद बावड़ी में जिन स्टेयर्स को नीचे जाने के लिए बनाया गया है, ये स्टेयर्स जमीन से 13 फ्लोर्स नीचे तक है, और ये कितना गहरा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, इस पिक्चर में आप जो ऊपर खड़े हुए इंसान को देख रहे हो वो इसकी गहराई के आगे कितने छोटे दिख रहे हैं। इन स्टेयर्स का यूज करके जो भी इसके अंदर जाता है उसे बहुत ही संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि एक साइड में तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप इन स्टेयर्स से फिसले तो सीधा नीचे जाके गिरोगे। ये चांद बावड़ी देखने में आपको इतनी ज्यादा पुरानी नहीं लग रही होगी, लेकिन ये 1200 से 1300 साल पुरानी है, और इसकी सीढ़ियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसी ये आज से हजारों साल पहले हुआ करती थी। नंबर 4 पर है वी फेरेटा। ये स्टेयर स्विट्जरलैंड में है, जो कि ये दुनिया की मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स में से एक है, क्योंकि इन स्टेयर्स को कोई ईंट या पत्थर से नहीं बनाया गया है, इसे पहाड़ के अंदर लोहे की सरियों को मोड़कर बनाया गया है। स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए साइड में एक मोटी सी केबल को लगाया गया है, जिसके सहारे सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ के जाया जा सकता है। जब ईंट या पत्थर की सीढ़ियां इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, तो भाई आप लोग खुद सोचो कि ये सीढ़ियां कितनी ज्यादा डेंजरस होंगी। ऐसे स्टेयर्स पर चढ़ने से पहले आपको अपनी रस्सियों और अपनी सेफ्टी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रस्सी टूटी तो आप इतनी गहरी खाई में जाके गिरोगे जहां से शायद कई दिनों तक तो डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। नंबर 3 पर है हुआसान माउंटेन। ये माउंटेन चाइना में है, जिसकी चोटी तक जाने के लिए आपको बिल्कुल सीधी सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और रिस्की है। अगर एक भी स्टेयर से आपका पैर फिसला तो नॉर्मल सीढ़ियों की तरह आप कोई लुढ़कते हुए नीचे नहीं आएंगे, सीधा ही नीचे पत्थर पर आके गिरेंगे। हालांकि सीढ़ियों के साइड में लोहे की चेन को लगाया गया है, जिसके सपोर्ट से आप ऊपर चढ़ के आसानी से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सीढ़ियों से नीचे गिर ही जाते हैं। इस रास्ते को रोड ऑफ द हेवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रास्ता जो पहाड़ की चोटी तक जाता है, वहां तक पहुंचने के बाद आपको जो पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है वो आपको शायद कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया भर से हर साल हजारों लोग इसी नजारे को देखने के लिए ऐसी खतरनाक सीढ़ियों से चढ़ के आते हैं। नंबर 2 पर है द स्काई लैडर। ये ऑस्ट्रिया में है, जो कि इन सीढ़ियों पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें हाइट से डर नहीं लगता, क्योंकि ये सीढ़ियां 2296 फीट ऊंचाई पर मौजूद हैं। इस सीढ़ी से अगर कोई नीचे गिरता है तो वो लगभग 2300 फीट गहरी खाई में जाकर गिरेगा। ये सीढ़ी 140 फीट लंबी है और इसे स्टेयर्स टू हेवन के नाम से भी जाना जाता है। ये सीढ़ियां स्टील केबल से बनी हुई हैं, इसीलिए इनकी मजबूती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सीढ़ी को
पार करने की एक करो या मरो की सिचुएशन है। अगर आपको आगे पहाड़ पर जाना है तो उस तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इसके अलावा आगे जाने के लिए आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर पहाड़ के ऊपर पहुंचने के बाद आपको जो नेचुरल व्यू देखने को मिलेगा, उस अमेजिंग व्यू को आई थिंक वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। तो गाइज फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 1 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स के बारे में, जो कि है कलावंती दुर्ग की स्टेयर्स। ये कलावंती दुर्ग महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इस किले तक पहुंचने के लिए आपको दुनिया की सबसे खतरनाक स्टेयर्स से होकर जाना पड़ता है। मैंने आपको अभी तक जितनी भी स्टेयर्स के बारे में बताया है, उन सभी में ऊपर और नीचे उतरने के लिए चेन या मोटी सी केबल को लगाया गया है। लेकिन इस किले के स्टेयर्स पर ना तो किसी चेन को लगाया गया है और ना ही किसी केबल को लगाया गया है। बिना किसी सपोर्ट के ही आपको इस किले के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसी मोड़ है जहां से सीढ़ियां क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। और बारिश के समय में इन सीढ़ियों पर चढ़ना या फिर तो इनसे नीचे उतरना और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बारिश के समय में सीढ़ियों पर मिट्टी जमा हो जाती है और मिट्टी से पैर फिसलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस कलावंती दुर्ग को देखने हजारों लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इन सीढ़ियों को हल्के में लेते हैं वो लोग अपनी जान भी गवा बैठते हैं। और जो भी इन सीढ़ियों से फिसला तो वो सीधा नीचे गहरी खाई में ही जाकर गिरता है। ऐसे बहुत सारे केसेस इस दुर्ग पर हो चुके हैं। सीढ़ी से पैर फिसलने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इसीलिए यहाँ के प्रशासन ने पहाड़ी पर ऊपर जाने वाले लोगों की संख्या को लिमिटेड कर दिया। और अगर आप पहाड़ी पर अकेले नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप अपने लिए एक गाइड भी कर सकते हैं, जो कि आपको इस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने में हेल्प करेगा। तो गाइज ये थी दुनिया की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस स्टेयर्स। और गाइज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि अगर आपको इन सभी स्टेयर्स में से किसी भी एक स्टेयर पर चढ़ने को बोला जाए और आपको वो कंप्लीट करने के बाद 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाए, तो क्या आप ऐसी डेंजरस स्टेयर्स पर चढ़ोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप 10 डेंजरस स्टेयर्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।